के 24 आवर चैलेंज में हम अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाकर उनका मोस्ट वर्सेस लीस्ट ऑर्डर्ड आइटम ट्राई करके रिव्यू करने वाले हैं। किसको आएगा मोस्ट ऑर्डर्ड और किसको आएगा लीस्ट ऑर्डर आइटम इन द मेन्यू, ये डिसाइड करेंगे गेम्स के थ्रू। द गेम्स आर गोना बी नर्व रैकिंग, सो स्टिक टिल द एंड। विदाउट फर्दर अडू, पेट पूजा शुरू। थोड़ी धूप थोड़ी छाव, आई फील लाइक जादू टुडे। ओके, वी आर गोना आस्क कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑर्डर्ड आइटम कौन सा है एंड सबसे लीस्ट ऑर्डर्ड आइटम कौन सा है। कैन यू हेल्प मी विद द मोस्ट ऑर्डर्ड आइटम इन स्मोक हाउस दिल्ली? और अवोकाडो बेबी स्निसर। एंड व्हिच वन इज द लीस्ट ऑर्डर्ड? वैसे तो ऑफ कोर्स अभी बेस्ट ही है। ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आई नो, मगर कोई ऐसे एक आइटम होगा जो लोग ज्यादातर नहीं खाते होंगे। बीफ रिकोटा ट्रफल है, काफी लूज है। जो आपका ट्रफल है एक वो कर दीजिए एंड एक आपका जो सैलेड आपने बोला है। He was like कि मेरी नौकरी को दांव पे लगाओगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो कम बिकता है सब अच्छा बिकता है, सब बिकता है। अब बता कितना महंगा आइटम सजेस्ट हुआ है हमें। ग्रिप ट्रकोटा विद ट्रफल ऑयल इज द लीस्ट ऑर्डर। इसमें है स्मोक्ड हनी। आई होप मुझे ना आए ये आइटम। गाइस ये है ना स्पिट रोस्टेड कॉर्न एवोकाडो बेबी स्पिनच विद मिंट गार्लिक योगर्ट, ये है सैलेड। अरे यार ये देखो स्पिट रोस्टेड कॉर्न, थूक के देंगे क्या ये? कौन से सैलेड बना रहे हैं? नहीं चाहिए। FYI, ये भी 490 का है एंड भूख शांत हो रही है। गाइज दोनों डिशेज हमारी आंखों के सामने हैं एंड आई क्लियरली डोंट वांट टू ईट द रिकोटा वाली डिश। सीरियसली इवन आई डोंट वांट टू ईट, आई वांट टू ईट द सैलेड, इट्स लुकिंग वेरी टेम्पटिंग। उसके लिए तुझे ये वाटर गेम जीतना पड़ेगा। दिस इज द वाटर गेम एंड यू हैव टू मेक द बॉल्स फ्लाई थ्रू द बास्केट। ठीक है, 3, 2, 1 गो। आई एम बैड एट दिस। अरे एक भी नहीं जा रही, बट ये एक भी नहीं जा रही मेरी तो। ये हो गया, वो मेरी चली गई, दो चली गई मेरी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन बॉल्स, get in. Guys, किसी वेटर ने सुन लिया ना, कभी हमें कभी खाना नहीं सर्व करेगा। लड़कियां बोल रही है बॉल्स गेट इन, पता नहीं क्या है ये लोडा। कम ऑन वैष्णवी, कम ऑन, दैट्स इट, कम ऑन राइट देयर। वो तो जीत कैसे रही है बे? गाइस ये गेम दुनिया का सबसे बोरिंग गेम हो सकता है, हो भी सकता है मतलब। गाइस बस बोल रहा हूं, बॉल्स जा नहीं रहे अंदर। 9-9 हो गया। किसके बॉल्स हैं गाइस? बॉल्स नहीं जा रहे अंदर, बॉल्स बहुत तंग कर रहे हैं। व्हाट द, ओह माय गॉड, शी वन, आई वन एंड आई एम नॉट एट ऑल हैविंग दैट डे। ओह, मेरे को मार डालती है हर गेम के बाद। क्यों जीतती है? क्योंकि मैं हूं ऐसी, मैं पैदा ही जीतने के लिए हुई थी गाइस। आई एम अ विनर, सारे गेम्स में हारती है। आई एम अ विनर इन लाइफ। गलती से जीत जाती है तो ऐसे बोलती है। आई थॉट बेस्ट ऑर्डर्ड मतलब आई वुड बी इन लक टुडे। आई रियली थॉट आई वुड बी लकी, बट लुकिंग एट दिस। ओह अच्छा, इसमें एवोकाडो है यार, पहली बार मैं एवोकाडो खाऊंगी। आई हैव नेवर हैड एवोकाडो, लेट मी ट्राई वंस। हेल्दी है, इसका अच्छा से बाइट खा सकती है। एक्चुअली गुड। तो शक्ल क्यों बनाई पहले? एवोकाडो इतना अच्छा नहीं है, वेरी हाई। किसने सोचा था ब्रेकफास्ट के लिए घास फूस खानी पड़ेगी? ये है दुनिया की लीस्ट ऑर्डर्ड आइटम, दुनिया की नहीं मतलब इस जगह की लीस्ट ऑर्डर्ड आइटम है एंड दिस इज वन जायंट गू। Just look at this. दही है कि क्रीम चीज है कि obviously ऐसे ही रखते हैं गाइस इसको। Have a creator. वैसे यहाँ पर ग्लास तोड़ दी। Sorry. This is a sour bread and this is your ricotta, which is Italian wheat cheese. इसमें है स्मोक्ड हनी, सम हेजल नट एंड बेसिकली अभी जो मैंने की है ना ये हरकत, इट इज जस्ट स्प्रेडिंग अ जायंट स्लाइस ऑफ चीज ऑन दिस सार्डो ब्रेड। सो लेट्स ट्राई दिस आउट। आई हैव नेवर हैड सच अ कॉम्बिनेशन बिफोर। फॉर अ रीजन, मीठा है तो हनी है, उसमें क्या एक्सपेक्ट करते थे? अगर आप लस्सी को बहुत गाढ़ा बनाते हो, नहीं नहीं मिष्टी दही होता है ना, मिष्टी दही को ब्रेड बटर के साथ खाओगे तो कैसा लगेगा? ये लगेगा गाइस। और इसके लिए मैंने दिए हैं 490 रुपये। I am very happy about this. I love my breakfast. Tu hi hari hai. It is awesome. Vaishnavi, you are gonna get the bill. No. Yes. No. तेरी वजह से सर्विस चार्ज लगा है 100 रुपए का। Rock,
paper, scissors. Quite literally cut gaya. We won rock, paper, scissors. We won the water balls game. Kabhi-kabhi lagta hai, apunich bhagwan hai kya guys? Kabhi lagta hai ki apunich bhagwan hai. बोलना तो नहीं चाहिए मगर दे आर सर्विंग डूस कबाब. डूस निकाल पटाटे डूस कबाब. एक सेकंड पटाटे डूस कबाब. ओह माय गॉड. ये ना जाए. आई एम नॉट ईटिंग डूस. माय टारगेट इज टू नॉट ब्रेक एनी ग्लास राइट नाउ. अरे यहाँ पे थूक रहा है कोई. फैन से पानी आ रहा है. आपके यहाँ पे सबसे मोस्ट ऑर्डर्ड आइटम कौन सा है? हमारे यहाँ की जो सिग्नेचर रेसिपी है वो पटाटे डूस कबाब. एंड सबसे लीस्ट ऑर्डर, सबसे ऑर्डर जो नहीं करता है कोई, कबली दम आलू. We are deciding the winner or the loser with the most cliche game of 2024. Ek machli pani mein gayi, cha pack. Let's start. Ek machli pani mein gayi, cha pack. Do machli pani mein gayi, cha pack. Teen machli pani mein gayi, cha pack. Cha pack. सात मछली पानी में गई चपैक. सारी मेहनत पे चपैक. तो बेसिकली यू आर हैविंग काबुली आलू. मेरे को अच्छी डिश खानी है. आई एम हैविंग डूस. यू आर हैविंग डूस. तू काले डूस. मेरे को नहीं खाना डूस. दिस स्मेल्स सो अमेजिंग गाइस. आई हैव नेवर हैड दिस डिश बिफोर. पटाटे ड्यूस बोलते हैं इसको. डाउस या ड्यूस बोल रहे हैं. डी ओ यू सी ई गाइस. आप कमेंट करके बताओ कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए. एंड एनलाइटन अस. इसके साथ इन्होंने मिंट चटनी सर्व करी है विच इज अगेन माई फेवरेट गाइस. एंड आई कांट वेट टू हैव दिस बिकॉज इट ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ वेजीज. कलरफुल सा लग रहा है. सो लेट्स डिग इन. इसका मैरिनेट बहुत टेस्टी है. पूरा पोटेटो का बना है गाइस. आई एम नॉट सच अ फैन ऑफ पोटेटो मगर दिस माइट हैव वन माई हार्ट. माई काबुली दम आलू इज हियर. एकदम मुगले स्टाइल आलू बन गया है मेरा. इन्होंने रेकमेंड किया था कि गार्लिक नान इसके साथ सबसे अच्छी लगेगी बट वी हैव टू टेक मिस्सी रोटी बिकॉज इट इज द लीस्ट ऑर्डर टाइप ऑफ ब्रेड. लेट्स डिग इन विद आवर मिस्सी रोटी. This is so good. One of the best sabjis I've ever had. Why in the world is it least ordered? This should be often ordered. बहुत ज़्यादा tasty है. हाँ ये मानती हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा तेल है and काफ़ी घी भी लगाया हुआ है मिस्सी रोटी पे. But the combination is absolutely A1. I loved it. I personally feel कि ये round मैं जीती हूँ यार. एक तो इतना सारा खाना plus इतना tasty खाना. I think I won this round. आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ. टैक्स के लिए वी आर गोइंग टू प्रेट्स एंड ब्रैट्स. लेट होप दैट इस बार मैं जीतूं बिकॉज मुझे मोस्ट ऑर्डर्ड आइटम खाना है अभी इस वक्त. ठीक है लेट्स गो. व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस? इज एसेंस ऑफ जर्मनी एंड इट आल्सो हैज आईपीएल बैनर्स. कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड व्हिच वन इज द मोस्ट ऑर्डर्ड आइटम? हॉट डॉग. एंड गिव मी वन लीस्ट ऑर्डर्ड आइटम. वॉल्वो. वॉल्वो बस नहीं पे. ठीक है तो वन वॉल्वोन एंड वन hot dog wedge. Why do you even bother to switch on a game man? You're gonna lose. Please I want the hot dog aur abhi main game bhi aise hi khelungi. Dekho bolo ko milne wale. Behan dar gayi. Machhar mara. Okay the game we are playing is money grabber. Let's see who can grab more money. Isme to main jeetungi. Kya karna hai? Paise lene hain yaar. Mera paisa mera paisa. मेरा छोड़ूंगी. क्या करिए बहुत इलाज कर रहे हम. तू कर बाहर निकाल देंगे हमें. निकल बकवास कर. यहाँ पर मेरे पास लिस्ट है मैं क्या क्या आइटम्स ले सकती हूँ. व्हाट इज दिस सॉर क्रॉथ? हम हैलापीनो खीरा एक थोड़े पत्ते टमाटर प्याज ओलिव्स मिंट मेयो अमेरिकन मस्टर्ड एंड बारबेक्यू मोज़रेला एंड पार्मेसन चाहिए मेरे को. एग्जाम नहीं है इतना पीछे भी था. मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ. पेपर लिख रही है क्या? दिस इज इम्पोर्टेंट. 600 वर्ड्स.
कुछ तुम लोगों को पता ही नहीं है क्या होते हैं। होल व्हीट ले रही हूं मैं। कोकेशिया प्लांट बेस्ड चिकन वेज वाला चिकन। दिस इज माय वॉल ऑफ वॉ। It's a French name for a baked puff pastry batter. The name means wind blown and describes the lightness of the pastry. Even if I'm a loser, meri dish aa gayi pehle. Too tasty. How do you know it's tasty? No, it looks tasty. This is the vol au vent. Aapki ijazat ho to. Too good. It is so buttery. It is filled with hot veggies and crispy bhi hai outer covering. I am in love with this dish. Vaishnavi, you're in true loss. Let me tell you that. More people should try this one. Are you sure? My plate full of cholesterol is here. Oily, crispy, thick fries and a bucket full of mayonnaise and sauces, which I only selected. So this is not a balanced meal at all, but it is a tasty meal which I won, so I'm gonna have. This is the sausage, there's barbecue, honey mustard, mint mayonnaise, there's cucumber, lettuce and a lot of veggies inside. This is focaccia bread, isme maine mozzarella and parmesan cheese bhi dalwaya hai. Like I said, hot dog of cholesterol. That's how they eat the janvars. I didn't like the plant-based meat. Mujhe plant-based meat na actually pasand hai hi nahi, so I'm a little biased towards it. But khana chahiye guys, save animals. My honest review is that it is not that great. It is like a sandwich with a lot of sauces, which you can definitely skip. Because it's 600 ka hai. It is bahut zyada expensive. The fries are good, but 600 rupaye ka hot dog le rahe ho the fries ke liye. डिनर के लिए हम मंगाने वाले हैं पिज्जा हट से उनकी मोस्ट ऑर्डर्ड आइटम। आई एम गोइंग टू कॉल पिज्जा हट जो मेरे घर के लीस्ट ऑर्डर्ड। अरे लीस्ट ऑर्डर्ड ऑब्वियसली, लेकिन वो तेरे को मिलने वाला है, सो आई एम नॉट गोइंग टू बॉदर आस्किंग अबाउट दैट। वी आर डायलिंग। आई होप भैया को पता हो। फोन उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। हाय, मुझे आप बताइए कि आपके यहाँ का सबसे बेस्ट सेलर आइटम कौन सा है, जो सबसे ज्यादा बिकता हो? पिज्जा। हाँ हाँ, मतलब पिज्जा में कौन सा पिज्जा? वेजी सुप्रीम पिज्जा आता है। वेजी सुप्रीम। और भैया सबसे कम कौन सा बिकता है? कम सेलर तो मैं पॉकेट में बोल सकता हूँ, बाकी तो मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी। अच्छा, जेस्टी पनीर पॉकेट। आई आस्क्ड हिम बेस्ट सेलर आइटम क्या मिलता है पिज्जा हट में, ही सेड मैम पिज्जा। डूड आई नो दैट। ओके, सो वी आर गोइंग टू ऑर्डर द तंदूरी पनीर पिज्जा एंड भैया ने मीडियम पिज्जा चिपका लिया यार। अच्छा खासा नॉर्मल स्मॉल पिज्जा बोल सकते थे, पर नो नो नो, उनको अपनी सेल भी तो करनी है, स्मार्ट है भैया। फॉर द लास्ट राउंड ऑफ डिनर वी आर प्लेइंग चोर पुलिस। यस, एंड देखते हैं कि हाउ दिस गेम फेयर्स आउट। मैं पुलिस हूँ। ये मेरा चोर। अरे मेरे को दिख नहीं रहा, मेरे दिख रहा, रुक जा। चोर कहाँ है? किधर भागेगा चोर, किधर है चोर? अरे चोर हट। अच्छा तू चोर है? हाँ मैं चोर हूँ अभी। नहीं, भाग धन्नो, आउट। क्योंकि मैं पकड़ी नहीं गई, पर ये आई एम गोना हैव मीडियम पिज्जा एंड वैष्णवी इज गोना हैव द ज़ेस्टी पनीर पॉकेट, जिसको बड़े सैड तरीके से भैया ने बोला है पॉकेट है जी पॉकेट, वो नहीं बिकता जी। सुरेंद्र हॉले ने, सुरेंद्र सैनी है वो, सुरेंद्र हॉले 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 वाला शाहरुख खान। और गाइस इसके साथ रह के ना, टीटी के वीडियोस काफी अच्छे चल रहे हैं, मगर देयर आर सम ऑफ यू गाइस हु आर वेरी धीट एंड आर नॉट फॉलोइंग दैट पेज ऑन इंस्टाग्राम। कर दो यार, प्लीज कर दो गाइस। इंस्टाग्राम पे ठाकुर टुगेदर टाइप करना, और कुछ नहीं करना है, आई जस्ट हैव टू फॉलो। वहां पे आपको थोड़ा बिहाइंड द सीन्स भी हम दिखाते हैं, डैड की हरकतें, मॉम के जो हमें डांट पड़ती रहती है। सबसे ज्यादा मैं दिखती हूं, पूछा किसी ने? So this video shout out goes to Tamanna, Subhashree and Manya. Oh my god, itna sync mein to life mein kabhi nahi rahe hum. But thank you so much guys for being in sync with our page and for following us, subscribing to us, tapping that bell icon, commenting, engaging. So pizza ki jhopdi se mangaya hua ek pizza aa chuka hai, which is the most ordered pizza from Pizza Hut and it looks amazing. Vaishnavi ko jala chala ke khayenge guys, hum bilkul koi mauka chhodne nahi wale hai. This is the medium size tandoori pizza topped with paneer capsicum, red paprika, onion and a lot of cheese along with some tandoori sauce. So without further ado, मैं इसमें डालने वाली हूँ इटालियन सीजनिंग, सॉरी ओरिगानो नहीं। वैसे आप कमेंट करके बताओ कि आप पिज्जा हट से सबसे ज्यादा क्या ऑर्डर करते हो? कौन सा पिज्जा है? मैं पिज्जा ऑर्डर करता हूँ।
My dinner सच में sorted है. Can you see the sauce? I will rate this a solid 9/10. Guys, आपको तो बता रहा मैं कितनी बड़ी पेट पुजारी हूँ. तो मेरे को ना कोई sadness नहीं हो रही है. मेरे को हो रही है सिर्फ excitement ये zesty सा पनीर pocket try करने के लिए. चलो guys, zesty पनीर pocket खाते हैं. In a way it is good dinner, ज़्यादा heavy होना नहीं चाहिए वैसे. अंगूर खट्टे हैं. It's very bland. बिल्कुल भी सॉस अच्छी नहीं है इसके अंदर की. पनीर एकदम रबरी सा लगा मुझे. सब्जी कुक नहीं है. देर आर अ मिलियन थिंग्स दैट आर रॉन्ग विद दिस कैल्ज़ोन ज़ेस्टी पॉकेट. एंड इफ इट इज लेस ऑर्डर्ड इन पिज़्ज़ा हट देन आई डोंट व्हाई. It's not good, folks. अब मुझे पता है कि मैं क्या करूंगी. जो दी करती है ना मैं वो करूंगी. मैं खाऊंगी तेरा पिज्जा. No. Yes. No.